सर, आज के कैंप के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ कि आप क्षेत्र में आए और व्यापारी भाइयों के साथ मिलकर हमारे इस कैंप की शोभा बढ़ाई है। स्टार सिटी टीवी का स्वागत है आपका। जैसे कि आप हमेशा देखते रहे होंगे कि व्यापारी भाई के पास समय कम होता है कि सवेरे जल्दी आना, रात को देर तक जाना, और साल में एक बार ये प्रक्रिया सरकार द्वारा बनाई गई है कि आपका ट्रेड लाइसेंस हो या हेल्थ का लाइसेंस हो, इसको बनाने के लिए सरकार हमेशा उपलब्ध रहती है। समय का अभाव रहते हुए मैंने ये दायित्व उठाया कि जब इन्होंने हमें चुना है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि इनकी मदद करी जाए, क्योंकि हमारे यहाँ से 3 किलोमीटर दूर लाजपत नगर स्टेट, ये जो हमारा सेंट्रल टाउन जो है, तो समय के अभाव को देखते हुए और व्यापारी भाइयों की परेशानी को देखते हुए, पहले भी 2012 से और 17 के बीच में कुसुम लता यहाँ पार्षद रही, तो पहले भी हमने 5 साल हर पर ईयर इसी जगह इसी चौक पर हमेशा व्यापारी भाइयों की मदद के लिए एक कैंप लगाया, और उसी को देखते हुए पीछे हम नहीं थे क्योंकि सीट रिजर्व थी। अभी दोबारा इन सब भाइयों की मदद से और क्षेत्र की जनता और छत्तीस बिरादरी के आशीर्वाद से चुनाव जीते, तो इनकी यही की डिमांड थी कि भाई अगर दोबारा आओगे तो समस्या, मैंने कहा भैया आप सब इस लायक करोगे तो समस्या इसी चौक पर बैठ के सरकारी तंत्र के साथ, जो MCD के सभी मेरे ये हमारे इंस्पेक्टर साहब बैठे हैं राणा जी, तो भाई सारी टीम, और सबसे बड़ा आशीर्वाद नई दिल्ली की सांसद बहन मीनाक्षी लेखी जी का है, जो मुझे हर वक्त हर कदम पर अपने आशीर्वाद के रूप में जहाँ मेरी मदद कर सकती है वहाँ हर संभव मदद करती है। मैं इनका बड़ा आभारी हूँ, और मेरे दोनों व्यापारी भाई मेरे लिए तो दोनों राम लक्ष्मण हैं, इनके बीच में मैं खड़ा छोटा भाई इनका, दोनों गुरुद्वारा रोड के प्रधान हैं भाई सलूजा जी, और सुभाष बाजार और पंजाबी बाजार दोनों बाजार हैं इनके प्रधान हैं रमेश बैद जी, और ये हमारे भाई राजीव गुलाटी जी हमारी बहुत इस इलाके की चीर प्रतिद हुआ मध्य स्वीट के मालिक हमारे नित्य भाई खड़े हैं, अनेकों अनेक भाई खड़े हैं, मोहन ग्लोबल ट्रेडिंग कंपनी से हमारे राजेश भाई हैं मोहन जी, इनके बड़े भाई यहाँ पहले प्रधान रह चुके हैं, हमेशा मुझे चाहे वो प्रधान थे या ये प्रधान है या ये व्यापारी भाई, हमेशा इन्होंने आशीर्वाद और प्यार दिया, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ और अपनी तरफ से ये विश्वास दिलाता हूँ चाहे वो ट्रेड का काम हो, हेल्थ का काम हो, या हाउस टैक्स का काम हो, या सफाई का काम हो, जो भी बन पाएगा उसको हर संभव मदद करेंगे, क्योंकि अभी थोड़ी सड़कों की हालत ख़राब है मेरे से पहले जो रहे, अभी सरकार अभी पूरी तरीके से बनी भी नहीं है, स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव पेंडिंग हुआ है, जैसे जैसे सुविधा उपलब्ध होती रहेगी हर संभव मदद करेंगे, चाहे वो सड़क की हो, बिजली की हो, या ये तो समस्या हल हो गई इनकी लाइसेंस की। देखिए ऐसा है, ये 2012 में भी निगम पार्षद रही हैं श्रीमती कुसुम लता रमेश, और अब ये फिर दोबारा जीत के आए, तो हम दोनों बाजार मिलकर सुभाष मार्केट और गुरुद्वारा रोड की एसोसिएशन इनके पास गए, हमने इनसे रिक्वेस्ट करी कि दोबारा से वो कैंप लगाइए, क्योंकि 2012-17 के बाद दोबारा कभी कैंप किसी निगम पार्षद ने लगाया नहीं। हमने इनको कहा कि लाइसेंस बनवाइए, हाउस टैक्स जमा कराइए, तो पहले 5 अप्रैल को हमने हाउस टैक्स का कैंप लगवाया, उसके बाद एक UPDI नंबर मिलता है, उसके बाद आप ट्रेड लाइसेंस और हेल्थ के लाइसेंस बन रहे हैं यहाँ पर। ये प्रयास जो है हमारी एसोसिएशन का और हमारी निगम पार्षद श्रीमती कुसुम लता रमेश जी द्वारा है, जो व्यापारियों को यहीं बैठे बैठे हर चीज़, हर लाइसेंस बनाए जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर जाने पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लेने पड़ते हैं, चक्कर काटने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई सिस्टम नहीं है, व्यापारियों को बैठे हुए लाइसेंस मिल रहे हैं। तो हम अपनी निगम पार्षद श्रीमती कुसुम लता रमेश जी का भी धन्यवाद करते हैं, बहन मीनाक्षी लेखी जी का भी धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने इनको सहयोग करा और ये हमारा सहयोग कर रहे हैं। इसमें कम से कम 7500 लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया है, और हम चाहेंगे कि ये हर साल कैंप लगता रहे, और व्यापारी भाई जो आज रह गए हैं उनको जो है अगले सालों में फ़ायदा हो, या कोशिश करेंगे, भाई से रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बार दोबारा एक कैंप लग जाए, और जिसकी वजह से जो लोग आज चूक गए किसी वजह से या मजबूरी से, तो वो अगली बार जो है अगले कैंप में इस फ़ायदा उठाएँ। दूसरी बात ये है कि पिछले 5 साल जब 12 से 17 तक तो कुसुम लता जी पार्षद थी, पर पिछले 5 सालों में यहाँ विनोद करोतिया जी पार्षद रहे, जिन्होंने कि जो है उतना कोई ऐसा काम ज़्यादा नहीं कर पाए, पर अब हमने या क्षेत्र के वासियों ने सबने मिलकर भाई को चुना, कुसुम लता रमेश जी को, और ये उम्मीद करते हैं कि ये अपने काम में 100% पहले भी खरे उतरे थे, अब के 101% उतरे, और जो है सड़कों की हालत ख़राब है और आगे वो ठीक हो जाए, साफ़ सफाई का है, लाइसेंस का है, हर चीज़ों का, मतलब भाई से उम्मीदें हैं और 100% ये खरा उतरेंगे, हम ये विश्वास से कह सकते हैं। सर आप भी इस मार्केट से धन्यवाद।
मेरा नाम राजीव गुलाटी है, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ पंजाबी आर सुभाष विहार व्यापार मंडल की तरफ से। ये बीड़ा रमेश जी ने पहले भी उठाया था और अब भी इन्होंने उठाया है। व्यापारियों की सेवा व्यापारियों के द्वार पे की जाती है शुरू से ही। हाउस टैक्स का भी कैंप इन्होंने 26 तारीख को लगवाया था। आज दुकानों के लाइसेंस, चाहे वो जनरल लाइसेंस हो या हेल्थ लाइसेंस हो, ये रमेश जी की ही स्पेशल पेन लेने के बाद यहाँ लगे हैं और व्यापारियों को सारी सुविधाएँ एक ही छत के नीचे एक ही बार में मिल रही हैं, चाहे पेमेंट हो या हाउस टैक्स से रिलेटेड कोई काम हो। और आगे हमें इनसे ही उम्मीदें हैं। बाज़ारों की सफाई की व्यवस्था भी पिछले 12 से 17 तक बहुत बेहतर रही थी और अब दिखाई भी दे रही है कि उसका कितना फ़र्क पड़ा है आने के बाद, इनके आने के बाद पहले से बेहतर हुई है सारी सुविधाएँ। और आगे पार्किंग के जो मैटर्स हैं वो भैया ने पहले ही अपनी मीटिंग में मीनाक्षी लेखी जो हमारी सांसद हैं उनके आगे उठा दिए थे। आगे हमारे साथ हमेशा कंधा व कंधा मिला के पार्किंग के मैटर के लिए हमारे साथ चलने के लिए इनका वादा है ही। सर आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा दिलीप गुप्ता जी। आप क्या आज के लिए कैसे हैं यहाँ पे? ये सर मैं लाइसेंस के लिए आया हूँ। ये हमारे सांसद जी, विधायक जी ने, हमारे पार्षद साहब जी ने ये कराया है, उससे हमें बहुत सुविधा हो रही है। दुकानदार के पास टाइम नहीं होता था जाने का, तो मार्केट में लगने से इस चीज़ से बहुत अच्छी सुविधा है। और डॉक्यूमेंट्स की अगर कोई दिक्कत है तो हमारे घर यहीं पास है, तो कुछ भी ज़रूरत होती है तो तुरंत हम अवेलेबल कर देते हैं। दफ्तर जाने में कई बार ऐसा होता है कि कुछ डॉक्यूमेंट रह जाते हैं तो उसमें दिक्कत हो जाती है, उससे हमें बहुत फ़ायदा है और बहुत रिलीफ है। मतलब इस कैंप लगने से काफ़ी आपको बहुत रिलीफ है।